ये दोस्तों आज किस वीडियो में हम देखेंगे Realme Buds Air 3 न्यू का अनबॉक्सिंग करके और साथ ही हम जानेंगे कि इसकी प्राइस क्या है और इसका लुक भी हम देखने वाले हैं और इसको कैसे यूज़ करना है सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है यूज़ करने का प्रोसेस और प्राइस भी आपको इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आपको मार्केट में ये कितने तक का मिल जाएगा सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है Realme Buds Air 3 न्यू ईयरबड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं। आपने इसका नेम जाना Realme Buds Air 3 न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बैक में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme Buds Air 3 न्यू TWS एयरफोन। तो यहाँ पे इसकी MRP की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3500 रुपये इसकी MRP है, यानी कि इसका प्राइस है। लेकिन मैंने इसे मार्केट से 2000 रुपये में परचेज किया और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मैं इसको यूज़ किया हूँ, फिर आपके सामने यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसके साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 मिनट चार्ज फॉर 120 मिनट प्लेबैक, यानी 10 मिनट अगर आप चार्ज करते हो तो 120 मिनट आप इसे यूज़ कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 88 ms सुपर लो लेटेंसी, यानी कि यहाँ पे आप गेम प्ले करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप थर्ड में देख पा रहे हो ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे साइड में आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इसे कितना चार्ज करना और चार्ज करने के बाद कितना चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 30 hertz टोटल प्लेबैक, यानी कि अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हो तो 30 घंटे आराम से ये चलेगा। और यहाँ पे 10 mm डायनेमिक बेस ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A1 ENC नॉइज़ कैंसिलेशन फॉर कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आप लुक की बात कर लें तो जैसा कि आपने फ्रंट में देखा ही कि कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक है। और हम बॉक्स को आप ओपन करते हैं। सो हे गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लुक भी इसका काफ़ी अच्छा है। हमने बॉक्स को ओपन किया और यहाँ पे हमारा ईयरबड्स है जिसको यहाँ पे हम ओपन करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने इसकी पॉलिथीन रिमूव कर दिया और आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक है रियलमी का। यहाँ पे आपको फ्रंट में लिख के मिल जाएगा और यहाँ पे ये ब्लू कलर का है। इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे सी पिन चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरह का कुछ लुक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें इसके साथ और क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में हमारा ईयरबड्स था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ईयरफोन में हमारे लगता है, यानी कि जो हम ईयरबड्स लगाते हैं उसमें जो कैप होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा ईयर कैप दिए हुए हैं। अगर वो गायब हो जाता है तो इसका यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे और हम देखते हैं कि इसके साथ हमें और क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग केबल यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो कि सी केबल है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये चार्जिंग केबल दिया हुआ है, ये सी पिन है और इसका यूज़ हम चार्जिंग करने में कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिला हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है रियलमी फ़ैन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करके मिल जाएगा कि ये है क्या। आप देख पा रहे हैं Realme Buds Air 3 न्यू यूज़र गाइड, यानी कि जो भी इसको परचेस करेगा उसके लिए ये यूज़र गाइड है कि रीड करके आसानी से इस ईयरबड्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको ओपन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले ही पेज पे हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि चार्जिंग यहाँ पे किस तरह से हमें करना है और यहाँ पे हमारा चार्ज यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे कौन सी लाइट जलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द ग्रीन लाइट स्टे ऑन फॉर 10 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जब चार्ज रहेगा हमारे ईयरबड्स में तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जलेगी और यहाँ पर जब हमारे ईयरबड्स में चार्जिंग ख़त्म हो जाएगा तो द रेड लाइट स्टे ऑन फॉर 10 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकंड तक का यहाँ पे रेड लाइट स्टे रहेगी, यानी कि यहाँ पे स्टैंडिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैकिंग लिस्ट, इसे हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे हम इसके बैक साइड में आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेप टू इन्जॉय द बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं साइड में और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पेयरिंग मोड, यानी कि आप कैसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे, मैं आपको कनेक्ट करके भी आगे दिखाता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैनुअल पेयरिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, स्केच भी यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टच कंट्रोल, यानी कि हमारे जो ईयरबड्स हैं उसमें टच कंट्रोल दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कॉल रिसीव करेंगे, कैसे सॉन्ग को स्टॉप करेंगे और कैसे कोई सॉन्ग नेक्स्ट यानी कि चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं म्यूज़िक मोड और ये हमारा जो फ्रंट में रहेगा वो टच एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं ये साइड में और यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद आप रीड कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल एयरफोन डबल टैप
प्ले और पॉज, यानी कि अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो यहाँ पे आप डबल टैप करते हो तो यहाँ पे आपका जो सॉन्ग है या फिर वीडियो है वो पॉज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगल ईयरफोन ट्रिपल टैप, यानी कि तीन बार अगर आप टैप करते हो तो आपका जो सॉन्ग रहेगा वो चेंज हो जाएगा। लेफ्ट ईयरफोन यहाँ पे लॉन्ग प्रेस 3 सेकेंड, तो यहाँ पे जो है कम हो जाएगा, और राइट वाले पे आपका जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आप उससे ही हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगल ईयरफोन डबल टैप टू एंसर और हैंग अप, यानी कि यहाँ पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो डबल टैप करके। और यहाँ पे सिंगल ईयरफोन लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड किए रहेंगे तो आपका जो कॉल है वो कट जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ करने के लिए भी आपको यूज़र गाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ज़्यादा कुछ बताता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे रियलमी बर्ड्स एयर 3 न्यू यहाँ पे कनेक्टेड, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग भी इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे मतलब सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया हुआ है, तो आप यूज़र गाइड को ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया यूज़र गाइड। और यहाँ पे अब हम ओपन करते हैं अपने ईयरबड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको ओपन करते हैं। सो गाइड, जैसे ही हमने यहाँ पे कैप को ओपन किया और यहाँ पे ये ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑन हो गई, इसका मतलब कि अभी हमारे ईयरबड्स में यहाँ पे चार्जिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक साइड में भी देख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मेरा जो एक ईयरबड्स है वो किसी को यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, तो उसने बोला भाई मैं थोड़ा टाइम यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक में ही बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे और इसका लुक आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे यूज़र गाइड में जो आपको टच करने के लिए दे रहा था वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, सॉन्ग को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे सॉन्ग को स्टॉप भी कर सकते हो यहीं से। ठीक है, तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अब मैं आपको अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक फ़ोन और हम इसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया ब्लूटूथ ऑन और हम थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे जो है हमारा वो ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इसको 2 दिन यूज़ किया, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, यानी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है और 3 दिन से मैंने अभी तक इसको चार्ज भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसकी चार्जिंग कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसमें और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Realme Buds Air 3 न्यू यहाँ पे कनेक्ट है और 100% चार्जिंग है। रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 दिन हो गया लेकिन अभी तक का मैंने इसे चार्ज नहीं लगाया, और मैं सॉन्ग मूवीज़ वगैरह देख रहा हूँ लेकिन अभी भी इसका जो है चार्जिंग वो डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, जिस तरह से यूज़र गाइड वहाँ पे दिया हुआ था कि कैसे हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी सॉन्ग करते हैं प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉन्ग को कर लिया प्ले। तो यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले हो चुका है और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया, डबल टैप आप करोगे इस पर तो यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉज हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इस पर डबल टैप किया और यहाँ पे ये पॉज हो गया। तो यहाँ पे हम फिर से इस पर डबल टैप करेंगे तो ये हमारा सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर टच भी नहीं किया और यहाँ पे ये इस तरह से चेंज हो रहा है और यहाँ पे इस तरह से ये स्टॉप हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 3 बार टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 बार टैप किया और आप देख पा रहे हैं सॉन्ग यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये चालू हो जाएगा सॉन्ग। तो यहाँ पे आप इस तरह सॉन्ग को पॉज कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और यहाँ पे दूसरा सॉन्ग भी अपने ईयरबड्स के थ्रू ही चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम आप कैसे घटा बढ़ा सकते हो, तो ये मेरा लेफ्ट साइड का है तो इससे क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पर 3 सेकंड यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो है घट रहा है। और यहाँ पे फिर से मैंने बढ़ाया इसको और यहाँ पे फिर से मैं इस तरह से उस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को भी यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो। सो गाइज, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसे आसानी से वहाँ से परचेस कर सकते हो।